हेलो स्टूडेंट्स, तो आज कैलोरीमेट्री के इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल का डिस्कशन करेंगे। ये जो वीडियो है ये न्यूमेरिकल रिलेटेड विद द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी से रिलेटेड है। इस पहले वीडियो में हम लोग फ्यू न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, इसी के दूसरा या तीसरा और पार्ट भी होंगे। आइए तो शुरू करते हैं कंसाइज फिजिक्स के एक्सरसाइज फर्स्ट का पहला न्यूमेरिकल। ये सारे न्यूमेरिकल जो हम लोग यहां डिस्कस कर रहे हैं ये सब जैसा मैंने बोला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी से रिलेटेड है। और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को एक बार मैं फिर से बता दूं, बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ एक है कि आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, जहां क्यू इज द हीट गिवन, एम इज द मास, सी इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और डेल्टा टी राइज या फॉल इन टेम्परेचर होगा। दूसरा फॉर्मूला याद रखना है रिलेशनशिप ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी, मींस हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दो बातें हो गई और एक बेसिक याद रखना है, हीट देने पर किसी बॉडी को राइज इन टेम्परेचर होता है और हीट उससे रिलीज करने पर फॉल इन टेम्परेचर होता है। आइए शुरू करते हैं पहला बेसिक जो कि टेम्परेचर ऑफ द बॉडी से रिलेटेड है। हम जानते हैं ना कि 1 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर के रिलेशन में जो एसआई यूनिट यूज करते हैं वो 1 केल्विन के इक्विवेलेंट होगी, यानी अगर किसी बॉडी में 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा, 1 केल्विन के इक्विवेलेंट होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, किसी बॉडी को अगर क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी गई और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि उसमें राइज इन टेम्परेचर जो है जिसे हम डेल्टा टी कह दे रहे हैं। अब देखिए आगे जब भी मैं डेल्टा टी लिखूंगा, डेल्टा स्मॉल टी, तो आप ये मान लेंगे या तो ये राइज इन टेम्परेचर होगा या फॉल इन टेम्परेचर होगा। तो यहां पे ये राइज इन टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस का हो रहा है, तो इन रिलेशन टू एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर केल्विन में ये कितना है, आ गया ना समझ में जो भी मैंने बोला। तो फॉर 1 डिग्री राइज एज वी नो 1 केल्विन के इक्विवेलेंट होता है, तो 15 डिग्री राइज इन टेम्परेचर किसके इक्विवेलेंट होगा, 15 केल्विन के इक्विवेलेंट होगा। इट इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड, ये बेसिक याद रखिए। तो हम आगे के जो क्वेश्चंस करेंगे उनमें यूनिट को डिग्री सेल्सियस में ले रहे हैं या इसकी इक्विवेलेंट केल्विन में ले रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो शुरू कर देते हैं आप क्वेश्चन नंबर टू में दो पार्ट्स करने हैं हमको। पहला क्वेश्चन जो गिवन है उसका पहला पार्ट हीट कैपेसिटी निकालना है और दूसरे पार्ट में हीट सप्लाई निकालना है किस बेसिस पे। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी है जिसका मास 150 ग्राम्स है। अब ध्यान दीजिएगा जब भी ग्राम में दिया हो तो उसे किलोग्राम में बदल लीजिए तो वो ज्यादा आसान रहेगा, या सारी यूनिट ग्राम में होनी चाहिए। वेल यहां पर हम मास को किलोग्राम में बदल ले रहे हैं, तो 150 ग्राम का मतलब 0.15 किलोग्राम ये मास गिवन है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी 410 जूल किलोग्राम -1 केल्विन -1 गिवन है। क्योंकि एक एसआई यूनिट में गिवन थी इसलिए हमने मास को भी किलोग्राम में बदल दिया, ये दो चीजें गिवन है। तो पहला पार्ट पूछा गया है क्वेश्चन में कि हीट कैपेसिटी कितनी होगी, जिसे हम सी डैश कहते हैं। देखिए हीट कैपेसिटी को सी कह रहे हैं तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को सी डैश कह रहे हैं। और दूसरे पार्ट में बोला गया है कि अगर बॉडी को हीट सप्लाई की जा रही है और उसमें राइज इन टेम्परेचर हो रहा है 35 डिग्री और 25 डिग्री का डिफरेंस है, यानी 25 से गर्म होकर बॉडी 35 डिग्री तक पहुंच जाती है, तो 10 डिग्री सेल्सियस का राइज इन टेम्परेचर हो रहा है तो कितनी हीट सप्लाई होगी। तो देखिए पहला पार्ट सिंपल सा फॉर्मूला हम जानते हैं, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू मास ऑफ द बॉडी होता है, तो सी इज इक्वल टू 410, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई थी और मास दिया हुआ है 0.15 किलोग्राम, इसको मल्टीप्लाई किया तो 61.5 जूल पर केल्विन आपका आंसर आ गया हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी। सेकेंड पार्ट में आए क्योंकि हीट सप्लाइड निकालना है, तो क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, तो क्यू इज इक्वल टू मास की वैल्यू 0.15, सी 410 और डेल्टा टी अभी हमने देखा ना 35 में से 25 को माइनस किया 10, तो क्यू आ गया इसको मल्टीप्लाई करके 615 जूल्स। आपने सेकंड क्वेश्चन को पूरा कर लिया, अब शुरू कर देते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे आ जाएं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री में एक बॉडी है यानी कि आयरन पीस है जिसका मास गिवन है 2 किलोग्राम और उसकी हीट कैपेसिटी सी डैश दी हुई है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और किसी हीट कैपेसिटी में डिफरेंस है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को सी से सिंबलाइज करते हैं
और हीट कैपेसिटी को सी डैश से। तो यहां पर क्वेश्चन में हीट कैपेसिटी ऑफ द आयरन सी डैश गिवन है 966 जूल पर केल्विन, और जब उसको गर्म किया जा रहा है तो उसमें राइजन टेम्परेचर हो रहा है 15 डिग्री सेल्सियस का। तो क्वेश्चन पार्ट वन में पूछा जा रहा है उसमें कितनी हीट सप्लाई हो रही है। तो एज वी नो हीट सप्लाइड इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी इनटू राइजन टेम्परेचर फॉर्मूला बनेगा। देखिए अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता तो मास इनटू स्पेसिफिक हीट लिखते ना, लेकिन यहां पर हीट कैपेसिटी के रिलेशन में बात कर रहे हैं तो Q इज इक्वल टू सी डैश इंटू टी डेल्टा टी लिखा और उठा के वैल्यू लिख दी सी डैश यानी कि हीट कैपेसिटी 966 और राइजन टेम्परेचर 15। उसको सॉल्व करेंगे तो 14490 जूल्स आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में हमको निकालना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो आपको रिलेशन पता है तो हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू डिवाइड कर दीजिए सी डैश अपॉन एम, 966 अपॉन 2 करेंगे 483 जूल केल्विन किलोग्राम पर केजी माइनस वन और के माइनस वन के रिलेशन में आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर थ्री पूरा हो गया। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर में कॉपर का एक पीस है जिसका मास गिवन है 10 ग्राम। जैसा मैंने बोला था 10 ग्राम को आपको किलोग्राम में बदलना पड़ेगा, तो 10/1000 यानी कि ये आपने कन्वर्जन किलोग्राम में कर दिया, ये बहुत जरूरी है। तो मास ऑफ द कॉपर दिया हुआ है और साथ में कहा जा रहा है जब उसको हीट सप्लाई की जा रही है तो उसमें राइजन टेम्परेचर हो रहा है 20 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक का। तो कितना राइजन टेम्परेचर हुआ, 70 - 20 यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस। तो 50 डिग्री सेल्सियस का राइजन टेम्परेचर है। दूसरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है 390 जूल किलोग्राम माइनस वन केल्विन माइनस वन। तो सिंपल सा क्वेश्चन निकालना है हीट सप्लाइड कितनी होगी। तो हीट सप्लाइड टू द कॉपर इज इक्वल टू मास ऑफ द कॉपर इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इनटू राइज इन टेम्परेचर। तो वैल्यू रख दी है 10/1000 × 390 × 50 राइज इन टेम्परेचर को लिखा और आपके सामने आंसर आ जाएगा 1950 जूल आंसर आ गया। अब शुरू कर देते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव में देखिए एक बॉडी को हीट सप्लाई की जा रही है 1300 जूल की, 1300 जूल हीट इज सप्लाइड एंड द बॉडी इज हैविंग द मास 0.5 kg। उसका मास 0.5 kg है और उसमें राइजन टेम्परेचर नेचुरली राइजन टेम्परेचर होगा क्योंकि हीट सप्लाई की जा रही है। कितना होता है 20 डिग्री से 40 डिग्री का राइजन टेम्परेचर होता है। अल्टीमेटली राइजन टेम्परेचर आ जाएगा 20 डिग्री सी दोनों को माइनस करने से। तो पूछा जा रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है। वेरी सिंपल, क्यू इज इक्वल टू एमसी डेल्टा टी लगा दीजिए। तो 1300 इज इक्वल टू 0.5 इंटू सी, तो कैलकुलेट करना है इंटू राइजन टेम्परेचर अभी निकाला यहां पे 20 डिग्री सेल्सियस। तो सी इज इक्वल टू 1300 अपॉन 0.5 इंटू 20 सॉल्व करेंगे तो 130 जूल केजी माइनस वन केल्विन माइनस वन आंसर आ गया। लीजिए ये क्वेश्चन हो गया। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये पावर वर्क और टाइम से रिलेटेड है। देखिए अब पहले तो लॉजिक क्लियर कर लें जो फंडामेंटल होता है, फिर उस क्वेश्चन पे आ जाएंगे। देखिए हम जानते हैं पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, और वर्क तो वैरायटी होता है ना, बहुत तरह का होता है। वर्क इज द एनर्जी, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू हीट सप्लाइड अपॉन टाइम, क्योंकि वर्क एक तरह की हीट सप्लाइड है और हीट सप्लाइड को लिखते हैं एमसी डेल्टा टी अपॉन टाइम। तो ये भी तो लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू एमसी डेल्टा टी अपॉन टाइम, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आइए शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है एक हीटर की पावर है 500 वॉट, उस अप्लायंस की इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की पावर दी है 500 वॉट, और एक बॉडी को गर्म किया जा रहा है उस पे रख के, तो मास ऑफ द बॉडी है 50 kg। उस बॉडी का मास जिसको हीट अप किया जा रहा है उसका मास है 50 kg और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 960 जूल केजी माइनस वन केल्विन माइनस वन। तो जब उस बॉडी को गर्म करते हैं ना हीटर की हेल्प से, जो कि पावर सप्लाई कर रहा है 500 वॉट की, तो हमको जो राइज इन टेम्परेचर मिलता है वो मिलता है 18 डिग्री से 38 डिग्री सेल्सियस तक। यानी कितना राइज इन हुआ 20 डिग्री, 38 माइनस 18 कर दिया, 28 डिग्री का राइज इन टेम्परेचर मिलता है। तो पूछा जा रहा है कितने टाइम में ये बॉडी गर्म हो जाएगी उस हीटर से जिसकी पावर 500 वॉट है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बहुत आसान है, सबसे पहले तो लिख देंगे पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क की जगह यानी डब्ल्यू अपॉन टाइम। अब देखिए टाइम को मैं टाइम ही लिख रहा हूं, कैपिटल टी लिखिए या टाइम लिखिए, और राइज इन टेम्परेचर को स्मॉल टी लिख रहे हैं, तो यहां कंफ्यूज मत होइएगा। तो पावर इज इक्वल टू क्यू अपॉन टाइम,
जैसा मैंने अभी डिस्कशन किया था वर्क इज द क्यू, तो क्यू को लिख सकते हैं एमसी डेल्टा टी मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू राइज इन टेंपरेचर अपॉन टाइम। तो वैल्यू प्लेस करी, पावर की जगह लिख दिया 500 वॉट इज इक्वल टू 50 इंटू 960 इंटू राइज इन टेम्परेचर 20 अपॉन टाइम। ये तो निकालना है तो इसको चेंज किया, तो टाइम टेकन इज इक्वल टू 50 इंटू 960 इंटू 20 अपॉन 500। सॉल्व करेंगे तो आएगा 1920 सेकेंड्स। आप इसमें आंसर छोड़ सकते हैं, इट्स ओके। लेकिन अगर आप मिनट्स में निकालना चाहें तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे उसको और आंसर आ जाएगा 32 मिनट, जो बुक में दिया हुआ आंसर है 32 मिनट्स। अदरवाइज आप अगर सेकंड्स में भी आंसर लिखेंगे नो प्रॉब्लम, आपका काम बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 भी जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस किया था मिलता जुलता क्वेश्चन है, यानी सेम कॉन्सेप्ट सेम फॉर्मूला लगाना है। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, यानी कि पावर इज इक्वल टू एमसी डेल्टा टी अपॉन टाइम। तो देखिए क्वेश्चन में ये गिवन है, एक हीटर है जिसकी पावर 600 वॉट है, एक हीटर है जिसकी पावर 600 वॉट है और उसमें जब किसी बॉडी को गर्म किया जा रहा है रख के, तो यानी हीट सप्लाई की जा रही है, तो मास ऑफ द बॉडी 4 kg है और उस बॉडी में जो हीट का राइज होता है, हीट देने से टेम्परेचर का राइज होता है, वो होता है 10 degree से 15 degree, यानी 15 - 10 यानी कि 5 degree का राइज इन टेम्परेचर है। और ये प्रोसेस परफॉर्म होने में लगते हैं 100 सेकेंड। अब की बार देखिए टाइम गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने टाइम कैलकुलेट किया था, यहां ये बताया गया है कि 100 सेकंड में ये राइज इन टेम्परेचर हो जाता है उस बॉडी में जिसका मास 4 kg है। तो हमको दो चीजें निकालनी है, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सी डैश एंड सी। तो सबसे पहले हीट कैपेसिटी निकालेंगे, तो लिखेंगे पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, यानी कि एमसी डेल्टा टी अपॉन कैपिटल टी यानी कि टाइम। तो 600 इज इक्वल टू, अब देखिए एम इंटू सी को बोलते हैं सी डैश, यानी कि मास इंटू स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी यानी राइज इन टेम्परेचर अपॉन टाइम, यानी तो सी डैश निकालना है हमको। तो सी डैश इज इक्वल टू, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 600 इंटू कैपिटल टी अपॉन डेल्टा टी, उठा के वैल्यू रखिए, तो 600 इंटू 100 सेकेंड अपॉन 5 राइज इन टेम्परेचर था। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.2 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल पर केल्विन आ जाएगा। अब बहुत आसान है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल लीजिए, तो सी इज इक्वल टू सी डैश अपॉन एम कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है सी डैश इज इक्वल टू एम इंटू सी। तो 1.2 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन मास दिया हुआ था 4 kg। सॉल्व करेंगे 3 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन आंसर आ गया। इन दिस वे इस वीडियो में आपने 7 क्वेश्चन यानी कि न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के। अगले वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 13 तक हैं वो सारे पूरे किए जाएंगे। थैंक यू।